अक्सर लोग पूछते हैं भैया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर आती है लेकिन कुछ ढंग से नहीं आती, तो क्या बिना इंग्लिश के प्लेसमेंट्स क्रैक नहीं हो सकते? क्या मैं हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ इन सारे लैंग्वेजेस में अपने इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता? और अगर इंग्लिश चाहिए ही तो क्या बिल्कुल फ्लुएंट चाहिए या बस ठीक ठाक इंग्लिश भी चलेगी? तो ये सारी चीजें जानने से पहले मुझे ये बताइए कि आपकी खुद की एक कंपनी है, मान लेते हैं, कैसी कंपनी? तो बढ़िया कंपनी, जिस तरीके की कंपनी में आप खुद जाना चाहते हो, और दो तीन बंदे हैं जो कि आपके ही कंपनी में उस पोस्ट पर जाना चाहते हैं जो कि आपका खुद का ड्रीम जॉब है, किसी बढ़िया कंपनी में इस पोस्ट पर मैं काम करूं, यानी कुछ हद तक एक मैनेजरियल पोस्ट, आप रेगुलरली मीटिंग्स कर रहे होंगे, क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होंगे, या फिर आपके अंदर कुछ बंदे काम कर रहे होंगे, आपको उन्हें असिस्ट करना है, अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो आप मुझे बताइए, एक बंदा है जिसके पास स्किल बहुत तगड़ा है, शायद ही वैसा कोई स्किल वाला आपको बंदा मिले, वो स्किल्स जो आपको जरूरत है, लेकिन कम्युनिकेशन उसकी ढंग की नहीं है, उसे इंग्लिश नहीं आती, मान लेते हिंदी आता है या फिर कुछ रीजनल लैंग्वेज आता है, तो अब इस बंदे को रेगुलरली क्लाइंट्स के साथ डील करना है, अपने उनके अंदर जितने लोग काम करेंगे उसके साथ उन्हें असिस्ट करना है। तो एक बंदा ये हो गया। एक बंदा है कि इसके पास स्किल्स बिल्कुल नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सेलेंट है, यानी कि स्किल्स ना के बराबर लेकिन शायद ही वैसा कम्युनिकेशन वाला बंदा, वैसा इंग्लिश बोलने वाला बंदा आपको फिर कहीं मिले। एक बंदा ये हो गया। और एक बंदा है जिसके पास स्किल भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं, खराब भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक, यानी कि उसमें आपका काम चल जाएगा, मतलब बढ़िया है लेकिन बिल्कुल उस पहले वाले बंदे की तरह एक्सेलेंट नहीं है। और उसी बंदे में, थर्ड वाले बंदे जिसके भी बात कर रहा हूं, स्किल ठीक ठाक है, उसको इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, बहुत कुछ खास नहीं आती, यानी वो स्किल में भी एवरेज से जस्ट ऊपर है और इंग्लिश ठीक ठाक है, बस एवरेज है। आप बताइए इन तीनों में से आप किसे चुनोगे? पहले, सबसे पहला बंदा जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इसे कितने दिन तो लग जाएंगे आपस में ही कम्युनिकेट करने में ही, बहुत ज्यादा स्किल्स होने से क्या हो गया, आप पूरा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर दोगे, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही एक्स्ट्रा स्किल्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसा है कि बस चल जाएगा, तो कंपनी क्या सोचती है कि धीरे धीरे बंदा सीख जाएगा, बिल्कुल उस केस में आपको एक अलग ही एक्सेलेंसी दिखानी पड़ेगी अपने स्किल्स में कि शायद ही वैसा किसी के पास ना हो, तब जाकर कंपनी एक बार कंसिडर करती है कि हाँ इसे भी लिया जा सकता है, समय के साथ धीरे धीरे कम्युनिकेशन सीख जाएगा। दूसरा बंदा जिसे मतलब स्किल्स बिल्कुल नहीं है लेकिन इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलना आता है, कंपनी उसे लेकर क्या करेगी? मान लेते हैं क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर ले रहा है, क्लाइंट्स के साथ इंग्लिश बोलकर तो उसे नहीं पिघलाओगे, लेकिन वही हमारे पास तीसरा बंदा है जिसके पास स्किल भी बढ़िया है, बहुत ज्यादा भी नहीं क्योंकि कंपनीज को उतनी जरूरत भी नहीं होती, एक बंदा आकर पूरा कंपनी रिफॉर्म नहीं करने वाला, अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही एक अलग स्कोप न दिख जाए कंपनी को इसके आइडिया में, वो चीज है। और इसमें आपको वो क्लाइंट्स के साथ डील करने वाली चीज भी दिख रही है, इससे कम्युनिकेशन भी आता है अच्छे से, तो यहां समझिएगा कि आपको या तो सिर्फ इंग्लिश से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ स्किल से भी काम नहीं चलेगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा स्किल ना हो आपके पास। तो आप देखिएगा कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पूछते हो कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूं क्या, मुझे इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं आती, तो वो आपको अलाउ कर देंगे लेकिन एक प्रेफरेंस में आप नीचे चले जाओगे, क्योंकि देखिए इंटरव्यू आते आते बहुत सारे बंदे इंग्लिश सीख चुके होते हैं, कैसे सीखते हैं वो भी बताऊंगा। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे हिंदी ही आना चाहिए, इंग्लिश ही आना चाहिए, ये लैंग्वेज ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक तरीके से कंपलसरी समझ लीजिए, पूछोगे तो हिंदी में भी अलाउ कर देंगे लेकिन प्रेफरेंस में फिर नीचे चले जाओगे, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है कि इसे मैं लेकर जाऊंगा अच्छे अच्छे पोस्ट पर और फिर ये लोगों के साथ डील ही नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें होती है, और यहां भी आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी तक जा सकते हो, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं चलती हैं। फिर उसके बाद बात करें भैया इंग्लिश कैसी चाहिए होती, बिल्कुल फ्लुएंट या ठीक ठाक, तो यहां पर बिल्कुल फ्लुएंसी की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया उतनी फ्लुएंसी भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक ठाक मतलब ये नहीं कि अटक अटक के बस बोल दे रहे, वो भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि एक पर्सनैलिटी चाहिए ना बंदे में, कम्युनिकेशन आप ऐसे तो नहीं करोगे हाय फ्रेंड्स आई एम दिस, ऐसे तो नहीं चलेगा कंपनी में जाने के बाद, वहां भी ठीक ठाक एक फ्लुएंसी चाहिए, बट ये नहीं कि बिल्कुल हम शशि थरूर बन गए, वो भी चीज नहीं चाहिए।
मतलब हर जगह एक अबव एवरेज स्किल चाहिए। तो स्किल्स तो आप खुद से सीख लोगे, लेकिन भैया इंग्लिश कैसे सीखा जाए? तो प्लेसमेंट वाला सेशन आपके फोर्थ ईयर में होता है, उससे पहले आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, 6 महीने 1 साल जितना भी आपको टाइम सूटेबल लगे, कुछ 4-5 बंदे मिलिए रेगुलरली इंग्लिश में, आधे घंटे डेली कुछ कन्वर्सेशन करिए, ऐसे ही धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाते हैं लोग। तो ज्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इंग्लिश इतना बड़ा चीज हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं हिंदी मीडियम से, अपने रीजनल लैंग्वेजेस वाले स्कूल से, कॉलेज में आते के समय उन्हें उतना कुछ नहीं पता होता, लेकिन कॉलेज में चीजें सीखते हैं, कॉलेज जगह ही सीखने वाला है। तो हाँ, इंग्लिश जरूरी है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप बोलोगे हिंदी में तो आपको निकाल दिया जाएगा, बट एक प्रेफरेंस में नीचे चले जाओगे। और रीजनल लैंग्वेजेस नहीं चलेंगी, क्योंकि हिंदी फिर भी लोग समझ जाते हैं, बट रीजनल लैंग्वेजेस सारे आपके इंटरव्यूअर नहीं समझ पाते ना, तो ये वाला एक सीन हो गया। और बिल्कुल फ्लुएंसी भी नहीं चाहिए, मुझे शशि थरूर भी नहीं बनना है, ठीक ठाक इंग्लिश भी चलेगा, बट ये भी नहीं कि अटक अटक के बोल रहे हैं। तो वो कैसे ठीक होगी? तो प्लेसमेंट से पहले 6 महीने साल भर जितना आपको सूटेबल टाइम लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर कम्युनिकेशन करिए, डेली आधे घंटे 15 मिनट करोगे, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है, कुछ अलग से कोई कोर्स परचेस करने का जरूरत नहीं है, 4-5 फ्रेंड्स ही आप काफी हो, आपस में डेली कम्युनिकेशन करिए, हो जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।